बड़ौदा महानगर पालिका मुख्यालय पे अब प्रवेश हेतु एक पूरी प्रक्रिया से आम जनता को गुजरना होगा। पालिका के मुख्यालय के सभी गेटों को आज से बंद कर दिया गया है। वहीं अधिकारियों के अलावा कोई आम जनता पालिका अधिकारी या फिर पालिका नेता के इजाज़त के बिना अब कॉरपोरेशन ऑफिस में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ऐसा फैसला पालिका ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के चलते लिया है। आम अधिकारी या फिर नेता की इजाज़त और थर्मल स्क्रीनिंग, साथ में मास्क और सैनिटाइजेशन की पूरी प्रक्रिया के बाद ही कोई आम नागरिक पालिका ऑफिस में प्रवेश कर पाएगा। कोविड नो व्याप वध्यो अने लॉक अनलॉक थयो बधी ऑफिसिस राबेता मुजब चालू थई, परंतु आ ऑफिसिस राबेता मुजब चालू थया पछी दरेक पब्लिक ऑफिस में एक रिस्ट्रिक्शन मुकवामां आया था, वगर कामना लोको अंदर ना आवे। अने एना ज भाग रूपे कमिश्नर बाजू जुओ, कलेक्टर ऑफिस जुओ, तो पब्लिक मन फावे ए रीते नथी जई सकती। अमारी विंग ए चूंटायेली विंग छे, एटले स्वाभाविक छे कार्यकर्ताओ, नेताओ अने बधा लोको पण आवे त्यां। परंतु हवे जे रीते आगामी दिवसोमां जे वधारे व्याप वधशे एवी आशंका छे, तो अमे आ विंगमां वधारे कड़क कर्युं छे। दाखला तरीके कोईने मेयर के कमिश्नर के कोईने पण आपी होय टपालो, तो इनवर्ड आउटवर्ड सिस्टम नीचे करीशुं। फरजियात वगर कामना लोकोने ऊपर नहीं जवा दईए। जे भी कार्यकर्ता ने जवुं हशे तो कंसर्न नेताओं ने फोन करीशुं, ए कहेशे कि हाँ अमारी ऑफिस में अमे बोलाया छे, जे आवा दो। तो एने प्रॉपर सैनिटाइजेशन, हेन्ड सैनिटाइजेशन, थर्मो स्क्रीनिंग आ बधुं करीने ज ऊपर जवा दईशुं। एटले जे छे एनाथी थोड़ुं अमे वधारे कड़क प्रिकॉशनरी स्टेप्स लीधा छे। पालिका के इस निर्णय के खिलाफ विरोध पक्ष के नेता ने अपना बयान दिया। शासक पक्ष किसी भी तरह की अग्रिम सूचना या फिर आम जनता को जानकारी दिए बगैर कोई भी फैसला ले लेता है, जबकि आम जनता अपनी समस्याएं लेकर पालिका मुख्यालय पे आएगी और अधिकारी या फिर नेता उनको अपने ऑफिस में बुला के उनकी गुहार सुनेंगे ही नहीं, तो आम जनता किसके पास जाएगी। मन फावे तेम आदेशों जाहिर करवाना, मन फावे तारे आदेश पाछा खेंची लेवाना। आवा नवा नवा फतवाओथी लोको हैरान थाय छे, लोकोने तो खबर नथी कि अहीं आया पछी आपणे ऊपर जवा देशे कि नहीं जवा देशे। तो पहला जाहेरात करवी पड़े कि भाई आ कोरोना वायरसना लीधे अमे आ नियम लीधुं छे, पण तमे कोईने अर्जंट काम होय, कोईने तात्कालिक तमारे जवुं होय, या तात्कालिक आवेदनपत्र आपवुं होय, एने जोड़े अन्याय थयुं होय, कोई गुंडा एमने जबरदस्ती बांधकाम करतुं होय અને એને બચારાને તાત્કાલિક અહીંયા આપવાનું હોય તો એ શું કરે, એ બંધાઈ જાય એની રાહ જુએ? એટલે એક પછી અનેક પ્રોબ્લેમો ઊભા કરતા કરવાવાળા લોકો છીએ આ લોકો। એટલે મારું એવું માનવું છે કે દરેક જણની જે આવાજ છે, દરેક જણની જે વ્યથા છે, દરેક જણ જોડે ઉપર જે અન્યાય થાય છે, જે એની વેદના છે, એ પર્ટિક્યુલર એ કન્સર્ન અધિકારી સુધી પહોંચવી જોઈએ, એવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ। અને એ વ્યવસ્થા ના થતી હોય તો આવા કોઈ ફતવા બહાર પાડવાની જરૂર નથી।